देखिए, ये तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने विपक्ष के पास कोई भी तोड़ नहीं है। इसीलिए पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आने से पहले ही बहस शुरू हो चुकी है कि 2023 का बाजीगर और जादूगर कौन है। अगर बीजेपी ने चुनावी बाजी मारी तो ये तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को टक्कर देना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का फायदा किसको होगा। हर तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है, भाजपा चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। दावे प्रचंड हैं, हौसले बुलंद हैं, जीत का भरोसा है और अब ईवीएम के खुलने का इंतजार है। पांच राज्यों के कुल 679 सीटों पर हुआ विधानसभा चुनाव कांटों से भरा ऐसा ताज है जिसका इशारा वोट प्रतिशत वाला कांटा साफ साफ कर रहा है। जनता सब जानती है। मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। वोट प्रतिशत में कांटे की टक्कर। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के जनादेश का असली बाजीगर और जादूगर कौन है, इसका पता 3 और 4 दिसंबर को लग जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, ये वो पांच प्रदेश हैं जिनके चुनावी नतीजों को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जीत और हार के दावों के बीच इन पांच राज्यों में हुए चुनाव में एक वोटों का गणित है। सियासत की बाजीगरी और लुभावनी वादे और दावों पर क्या भारी पड़ सकता है, इसका दावा कुछ पॉलिटिकल पंडित करने लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। हमें तो हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी लगानी है। लगाओगे ना? हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी, वादा? ये आपकी गारंटी है? वोट प्रतिशत में कांटे की टक्कर। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन पांचों ही राज्यों में मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा है। किसी भी चुनावी राज्य में जब मतदान ज्यादा होता है तो सभी दलों का गणित डगमगाने लगता है। यही वजह है, चाहे बीजेपी या फिर कांग्रेस या बाकी सियासी दल, सभी वोट प्रतिशत के आधार पर दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी पार्टी की होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, क्या वाकई बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत हार और जीत का फैसला कर देगा, या फिर जीत हार की वजह कुछ और होगी। हर तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है, भाजपा
चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। बढ़ता वोट प्रतिशत और जनता का जनादेश, इस पूरे सियासी गणित को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर 5 राज्यों का वोट प्रतिशत क्या रहा है और इसका फायदा किस सियासी पार्टी को मिलेगा। आम तौर पर माना जाता है कि बढ़ता वोट प्रतिशत एंटी इनकमबेंसी का इशारा करता है, लेकिन हाल के वर्षों में हुए कुछ चुनावों पर नजर डालें तो मालूम चलता है कि हर बार ऐसा नहीं होता। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी और बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में दोबारा से वापस आई। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान में हुई वोटिंग का ज्यादा फायदा किसे मिलेगा, बीजेपी या फिर कांग्रेस। राजस्थान में 200 में से 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ है। अब नजर डालते हैं कि राजस्थान में वोट प्रतिशत क्या इशारा कर रहा है। इस बार राजस्थान में 2018 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में साल 1993 के बाद से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। यहां साल 2008 और साल 2018 को छोड़कर हर चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। साल 1993 से पहले 3 चुनावों में मौजूदा सरकार रिपीट करने में फेल हुई और इनमें से 2 चुनावों में वोटिंग में इजाफा हुआ था। राजस्थान में 1993 से पहले 6 मौकों पर मौजूदा सरकार वापसी करने में सफल रही। इनमें से 5 चुनाव में वोटिंग बढ़ी थी। राज्य में 8 चुनावों में मौजूदा सरकारों को हार का सामना करना पड़ा। इनमें से 4 बार वोटिंग में इजाफा हुआ था। इस बार राजस्थान में वोटिंग में मामूली इजाफा हुआ है। राज्य में इस बार 74.96% मतदान हुआ है, जबकि 2018 में 74.06% वोटिंग हुई है। इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर, तो ये जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में बिजी थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। मोदी ही जीत की गारंटी या फिर राहुल कांग्रेस की जीत की गारंटी है, 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा। फिलहाल तो राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को हराने का दावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कर दिया है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है बहुत बड़े बहुमत से। कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं जी। मैं तो फील्ड में रहा हूँ पूरा, कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको आप देखना, कल जब रिजल्ट आएंगे तब हम आपके बीच में रहेंगे, आप हमें बुलाना। वोट प्रतिशत में कांटे की टक्कर। वहीं अगर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां शिवराज सिंह चौहान सरकार की साख दांव पर लगी है। कांग्रेस के कमलनाथ डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से बीजेपी के मामा की सरकार जा रही है। अगर हम एमपी में हुए मतदान के वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो शायद हम समझ सकते हैं कि एमपी में क्या खेला होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी पिछली बार की तुलना में वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा है। एमपी में आज तक 15 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 1952 से 2018 तक यहां सिर्फ 6 बार ऐसा हुआ है कि मौजूदा सरकार सत्ता में ना लौटी हो। इनमें से 4 चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा वोटिंग में इजाफा हुआ था। जैसे साल 2003 में बीजेपी ने कांग्रेस को हराया था, तब पिछले चुनाव की अपेक्षा वोटिंग में 7% का इजाफा हुआ था। हालांकि 8 मौकों पर राज्य में मौजूदा सरकार की वापसी हुई। इनमें से 6 बार मतदान में इजाफा हुआ था। यहां पिछली बार बढ़े हुए मतदान के बाद बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन कांग्रेस को बहुत मामूली मार्जिन मिला था। इसके बाद 2020 में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई। इस बार भी राज्य में पिछली बार की अपेक्षा मतदान प्रतिशत बढ़ा है। पिछले चुनाव में 74.97% वोट डाले गए थे, इस बार 76.22% वोटिंग हुई। अब सवाल उठता है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या फिर कांग्रेस को। ये एहसास हो चुका है कि 3 दिसंबर को
उसका टिकट कट जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस बार वोटर टर्नआउट पिछली बार की अपेक्षा मामूली गिरा है। यहां पर इस बार 76.31% मतदान हुआ। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो यहां साल 2018 में 73.37% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार यहां सिर्फ 70.71% मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव से कम है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि गिरते वोट प्रतिशत का फायदा क्या सत्ता पक्ष को मिलेगा या फिर विपक्ष को। कुल मिलाकर कल 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में वोट प्रतिशत कम और ज्यादा का फायदा किसे मिला है।